नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, नवरात्र के समय में औरत के इस जगह पर हाथ कभी मत लगाना, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद और हो जाओगे कंगाल। आपका जीवन नरक में तब्दील हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से नरक में तब्दील हो जाएगा अगर नवरात्र के समय में औरत के इस अंग पर अगर आप हाथ लगा दिया तो। शादीशुदा इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आपका शादी हो गई है, आपका घर में पूरी तरह से अगर उन्नति करना चाहते हैं, घर में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आए, रुकावट नहीं आए, तो अगर आप यदि शादीशुदा है तो इस वीडियो को छोड़ करके कब ना जाए। आप वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माता दी जरूर लिखे, ताकि माता दी लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, मां आदि जगदम्बा की आपके कृपया आपके ऊपर बनी रहे और आप सदा उन्नति की ओर जाए। मित्रों, माता लक्ष्मी बोले चाहे माता भगवती बोले, माता भगवती माता लक्ष्मी का एक रूप है औरत। लेकिन इंसान जो है सुंदर सुंदर औरत के चक्कर में आकर के वो फंस जाता है, अपना पूरी तरह से जो है उत्तेजना पर काबू नहीं कर पाते हैं और गलत काम कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अभी नवरात्र के समय चल रही है, नवरात्र के समय में आपको औरत से बचना चाहिए। औरत का किसी भी तरह का दिमाग के अंदर में आपका गलत विचार नहीं आना चाहिए, यह सब चीज को करना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि औरत के कौन सा अंग में आपको हाथ नहीं लगाना है, ना उसको पकड़ना है, कौन सा अंग को नहीं पकड़ना है। तो सबसे पहले बात मैं कुछ आपको उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति का। नवरात्र के समय है, पहले मैं धन प्राप्ति आपके घर में कैसे होगी, धन की कमी दूर कैसे होगी, कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, एकदम बता दूंगा कि औरत का कौन सा चीज को आपको पकड़ना नहीं चाहिए नवरात्र के समय में। तो मित्रों, आपको करना क्या है, धन प्राप्ति करने के लिए सबसे पहली बात, आपको घर में पूरी तरह से साफ सफाई करके रखिए। घर में कोई कूड़ा करकट नहीं रखना है, पूरी तरह से साफ सफाई रखिए। माता की तस्वीर, फोटो, मूर्ति, जो भी आपका घर में पूजा स्थान में, सारे चीज को आपको साफ करके रखिए। और सुबह और शाम आपको मिल लेना होगा धूमन। किसी भी पूजा पाठ के दुकान में या पंसारी की दुकान में आपको धूमन मिल जाती है। धूमन जिसको बंगला में धूना भी कहा गया है, बंगला में उसे धूना भी कहा गया है, हिंदी में उसको धूमन कहा गया है। वो एक तरह का नेचुरल है, वो प्रकृति का जो है एकदम देन है। वो जो है आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को एकदम समाप्त कर देगी और सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। घर में लक्ष्मी की वास होगी, बरकत होगी। तो धूमन बाजार से आप खरीद लीजिएगा, कम से कम 250 ग्राम, और 100 ग्राम आपको लेना होगा गुग्गुल। 100 ग्राम गुग्गुल लीजिएगा, पूजा पाठ की दुकान मिल जाएगी 100 ग्राम गुग्गुल और 250 ग्राम आपको धूमन, और उसमें 50 ग्राम आपको कपूर। ये तीनों चीज को मिक्स करके, आपको चूर करके पाउडर बनाकर मिक्स कर लीजिएगा। उसको नारियल का छिलका हो या लकड़ी की आग हो, कोई भी आग जला करके उसको लाल कर लीजिएगा और उसके ऊपर में उसको डाल करके उसकी धुआं को पूरी घर में चारों तरफ आप जो है दिखा करके माता भगवती के पास रख दीजिएगा। ये सुबह शाम इस क्रिया को आप कीजिए, एकदम घर में बरकत और तरक्की आपको होगा। दूसरा उपाय, आप सोमवार के दिन में या भी किसी भी दिन में नवरात्र के समय में आप किसी भी सुबह सुबह सूर्य उदय के समय में या सूर्य उदय के पहले आपको सफेद आंक का पौधा का जड़ी लेना है। सफेद आंक का पौधा का जड़ी ले लीजिएगा, उसको माता रानी के पास में कच्चा दूध
गंगा जल से शुद्धिकरण करके थोड़ा सा जड़ी काट करके आप अपने बाजू में बांध लीजिएगा और थोड़ा सा जड़ी जो है आपका घर के मुख्य द्वार में आप बांध दीजिएगा। बस इतना करके देखिए आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होगी, आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। नवरात्र समय में ये जरूर उपाय करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों अब मैं बताने जा रहा हूं कि औरत का कौन सा अंग को नहीं पकड़ना चाहिए। मित्रों औरत का जो है जो नाभि होती है उसमें नवरात्र के समय में माता भगवती की विशेष कृपा रहती है, माता भगवती की उसमें वास होती है, इसीलिए रात के समय में कभी भी जो है आपको जो है नवरात्र समय में औरत का नाभि को नहीं पकड़ना है। ये ध्यान रखिएगा औरत का नाभि कभी मत पकड़िए क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी की वास होती है, माता भगवती की वास होती है, माता काली की वास होती है। वो अगर उरुष्ट जाएगी तो आपका जीवन कंगाल हो जाएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए ऐसा काम कभी ना करें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।